भाई 2 मिनट। भाई 2 मिनट। सबसे पहले अपना नाम बताइए, कितने बजे हादसा हुआ था और गाड़ी कौन चला रहा था, क्या कुछ क्या जानकारी मिल सकता है? ये तकरीबन 11:15-11:30 बजे के दरमियान की बात है जी। और मेरा बाहर स्टॉल लगता है वहाँ पर ही दूध का, और मैं जस्ट बंद किया था 11 बजे, और हमने सब अपना सामान वामान समेट के अंदर रखा, और उसी टाइम पे हम लोग बिल्डिंग के अंदर ही थे, और हमारे वॉचमैन को भी मैंने खाना दिया कि आप खा लो, तो ये भाई साहब अंदर खाना खाने घुसे और हम लोग अपना डब्बा वगैरह अंदर रखने गए, उतने में गाड़ी एकदम धाड़ करके आवाज़ आई, गेट हमारा मतलब डैश किया गेट को, गेट के से पूरे पार्ट मतलब अलग टूट गए मतलब वहाँ पर, और हमारी कैबिन पे भी लग के मतलब कैबिन पे पूरा टाइल्स वगैरह टूट गए वहाँ पर। अगर कोई बच्चा अगर रहता तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता वहाँ पर, कोई भी होता अगर। हाँ, तो हम लोग भाग के आगे देखे तो उस पर ये जो बंदा जो था कैप पहन के था, मास्क लगाया हुआ था वो, उसको तो सभी लोग जानते हैं क्योंकि फैजू करके, वो हमारे सामने मतलब गाड़ी से बाहर निकला और पीछे के मतलब वही गेट से निकल के चल दिया वो। हाँ, भाग गया मतलब चल दिया वो। हाँ, ड्राइविंग सीट पे ही था वो। हाँ, और ब्लैक ड्रेस पहना हुआ था। क्या वो कुछ शराब वगैरह भी पिया था कुछ? अब उसका अंदाज़ा नहीं लगा क्योंकि सडन ये मतलब सब एकदम हैरान हो गए थे, एकदम पूरी बिल्डिंग के लोग जमा हो गए और ये ऐसा निकला सडन और निकल के बाहर चले गया, तो जज नहीं कर सकते कि वो नशे में था या क्या है। अभी आप लोग पुलिस स्टेशन आए थे, यहाँ कुछ शिकायत दिया? ये हमारे जो है ना सोसाइटी के कई चीज़ डैमेज हो गई है, तो उसका भरपाई कौन करेगा, वो हिसाब से हम लोग आए हुए थे, और हमारे जो चेयरमैन साहब और सेक्रेटरी साहब वो अभी ओल्ड एज के हो गए तो आ नहीं सके, और कुछ उनके भी घर में कुछ प्रॉब्लम हुआ था। सीसीटीवी वगैरह भी है बिल्डिंग में? नहीं नहीं है, वो नहीं है हमारे उसमें। बाकी हमारे बिल्कुल रोड के सामने ही जो है ना ये इससे अपना ओशीवारा से कनेक्टेड है, कैमरा 3-4 कैमरा लगा हुआ है, तो कोई ना कोई कैमरे में कैच हुआ रहेगा शायद वो। मरक्षित है, मरक्षित है।